प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत योजना में बदलाव का ऐलान किया। खासकर इस फैसले से देश के 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा है। जी हाँ, आयुष्मान योजना में अब इस आयु वर्ग के बुजुर्ग भी शामिल होंगे और फ्री इलाज का लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा और सरकार इन बुजुर्गों को किस आधार पर लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही क्या रहेगा इसका प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे कि आखिर आयुष्मान कार्ड बनाया कैसे जाता है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के फैसले के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना के कवर को बढ़ाने पर चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद इसमें 70 साल के पार के बुजुर्गों को शामिल करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी इस योजना में शामिल होंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख तक रुपए का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। अब ऐसे में इस योजना में हुए बदलावों के बाद कई सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे जिनका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। जिनमें सबसे पहला सवाल है कि अगर प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी ली है तो क्या आयुष्मान योजना का लाभ आपको मिलेगा। सवाल का जवाब है हाँ। मोदी सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जुड़े हैं वो आयुष्मान कार्ड का या आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी जो लोग केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF जैसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, ये या तो अपनी मौजूदा योजना को चुन सकते हैं या आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि अगर घर में 2 बुजुर्ग है तो आयुष्मान से कितना हेल्थ कवर आपको मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके घर में 2 बुजुर्ग हैं जैसे दादा दादी या मम्मी पापा तो क्या इन्हें हेल्थ कवर मिलेगा। इस कैटेगरी में 5 लाख रुपए का बीमा कवर पति पत्नी दोनों के लिए एक ही होगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अब जो अगला सवाल इसमें उठ रहा है आपके जहन में वो है जो परिवार पहले से आयुष्मान योजना के दायरे में है उनको कितना लाभ मिलेगा। अब सवाल ये भी है कि जो परिवार पहले से आयुष्मान योजना के दायरे में है क्या उन्हें कुछ लाभ मिलेगा, क्या जो बदलाव हुए उसके तहत उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा या कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब ऐसे में परिवार को कुल 10 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक आयुष्मान योजना के दायरे में आने वाले पहले परिवारों के 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा जिसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा। यानी कि जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं यानी 5 लाख रुपए 70 साल से ज़्यादा आयु वालों को और 5 लाख रुपए 70 साल से कम आयु वालों के लिए होंगे। अब अगला सवाल है कि क्या इस पर इनकम का कैप भी है। जी हाँ, सवाल ये भी जहन में आपके उठ रहा होगा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए क्या कोई इनकम कैप या कोई निश्चित इनकम स्लैब रखा गया है। तो इसका जवाब है नहीं। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा जो समाज के सभी वर्गों के लिए लागू होगा।
अगला सवाल है कि कौन लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन नहीं। सरकार जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लिए पात्रता की कुछ शर्तें भी लागू करती हैं, जिससे कि स्कीम का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले। अब तक तो हमने आपको इसके बदलाव के बारे में बताया, अब ये जान लेते हैं कि 70 साल से कम उम्र के लोगों में इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कौन नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लाभ कौन ले सकता है। आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, निराश्रित या फिर आदिवासी, अनुसूचित जाति या जनजाति के दिव्यांग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या दिहाड़ी मजदूर, जिनके परिवार में कोई दिव्यांग हो, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, जिनकी कमाई का एक हिस्सा पीएफ में कटता है, जो ईएसआई के मेंबर हो, जो इनकम टैक्स देते हों, जिनका अपना पक्का मकान और गाड़ी हो, जिनके पास सरकारी नौकरी हो। ये वो लोग हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये तो बात हुई आयुष्मान योजना के नियमों और इससे मिलने वाले लाभ की। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि आखिर आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाया कैसे जाता है, आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। इसका पता करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाकर भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर, ये वो सब डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप अपने आयुष्मान कार्ड को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो ये थी आयुष्मान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो में हमने आपको बताया कि योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और कैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।